सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए। हाय गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि माई एयरटेल ऐप में दिए गए कूपन का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानना है तो वीडियो को देखते रहिए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे दोस्तों मेरी आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आपको ऐसी बढ़िया वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो आइए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि माई एयरटेल ऐप में दिए गए कूपन का यूज़ कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जाना माई एयरटेल ऐप में। जैसे ही दोस्तों आप माई एयरटेल ऐप में जाएंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। नीचे दोस्तों एक ऑप्शन दिया हुआ है माई कूपन का, तो आपको उस ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर दोस्तों आपके पास जो भी कूपन होंगे यहाँ पर शो हो रहे होंगे। जैसे कि मेरे पास अभी 50 रुपये के 50 कूपन हैं और 20 रुपये के 10 कूपन हैं और यहाँ पर शो हो रहे हैं। दोस्तों, कूपन का यूज़ करने के लिए उसके नीचे एक ऑप्शन दिया गया अप्लाई का। आपको जो भी कूपन यूज़ करना है उसके नीचे अपना ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप अपना ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिचार्ज वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ से आपको रिचार्ज सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं सेलेक्ट करता हूँ 199 का। जैसे ही दोस्तों आप रिचार्ज सेलेक्ट करेंगे कूपन अपने आप अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप 50 रुपये में कूपन अप्लाई करेंगे तो आप जो भी रिचार्ज कर रहे होंगे उसमें से 50 रुपये कम हो जाएंगे, और अगर आप 20 रुपये में कूपन अप्लाई करेंगे तो आप जो भी रिचार्ज कर रहे होंगे उसमें से 20 रुपये कम हो जाएंगे। तो इससे दोस्तों आप बहुत ही आसानी से माई एयरटेल ऐप में दिए गए कूपन का यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सबको समझ में आ गया होगा कि माई एयरटेल ऐप में दिए गए कूपन का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो कैसी लगी ये हमारी वीडियो, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें।